नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी अपने जीवन में हनुमान जी के चमत्कारों का अनुभव किया है? आपको बता दें कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर मौजूद है और उन्होंने कई बार अपने भक्तों की रक्षा की है। हनुमान जी के चमत्कार के आपने कई किस्से सुने होंगे। ऐसा माना जाता है कि जब भी मनुष्य को भूत प्रेत या बुरी आत्माओं का डर सताने लगता है तो हनुमान जी का नाम लेने मात्र से उसकी पीड़ा समाप्त हो जाती है। प्राचीन काल से ही लोग गांव के बाहर हनुमान जी का मंदिर बनवाते आए हैं ताकि बुरी शक्तियां गांव में प्रवेश न कर सकें। लेकिन कई बार लोग जब जंगल के रास्ते से जाते हैं तो उन्हें बुरी शक्तियों का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको हनुमान जी के चमत्कार की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जब हनुमान जी ने अपने भक्तों की रक्षा की थी। दोस्तों, ये घटना है यवतमाल की। यहाँ पर कई छोटे छोटे गांव और कस्बे हैं। यहाँ पर जंगल बहुत ही घना और डरावना है। कई बार लोगों को गांव में जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। रास्ता खराब होने के कारण यहाँ पर कोई गाड़ी भी नहीं जा सकती। कहा जाता है कि इन जंगलों में कई बुरी आत्माओं का वास है और कई बार लोग इन जंगलों में खो जाते हैं। ऐसी ही घटना हुई थी प्रमोद भारद्वाज नाम के शख्स के साथ। प्रमोद हनुमान जी को सच्चे मन से मानते थे और रोज हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते थे। लेकिन एक बार प्रमोद के साथ कुछ ऐसा हुआ जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रमोद के गांव के जंगल में एक ऐसी जगह है जिसे चकवा कहा जाता है और बड़े बुजुर्ग सभी को उस रास्ते से जाने से मना करते आए हैं क्योंकि कई बार उन्होंने वहाँ पर बुरी शक्तियों का अनुभव किया था। उनके अनुसार इस जगह पर कई बुरी आत्माओं का वास है। जो भी इस रास्ते से जाता है वह वहीं पर फंस जाता है और कभी बाहर नहीं निकल पाता। एक बार रात के समय प्रमोद और उसके दोस्त खाना साथ में लेकर खेत में जा रहे थे। उन्होंने सोचा चलो आज उसी रास्ते से जाते हैं, देखते हैं सच में वहाँ पर कुछ है या बस यह सिर्फ कहानी है। प्रमोद और उसके दोस्त रात के समय उस रास्ते से जाने लगे। वहाँ पर जाने के बाद उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो कि अजीब हो। वह बस उस रास्ते से चलते ही जा रहे थे। लेकिन बहुत देर तक चलने के बाद प्रमोद को बड़ा ही अजीब लगा। उसने अपने दोस्त से पूछा, यार हम कितनी देर से चल रहे हैं, अभी तक तो हमें खेत में पहुंच जाना चाहिए। बाकी दोस्तों ने कहा, हाँ यार खेत इतना भी दूर नहीं है, अभी तक तो हम खेत में बैठकर खाना खा रहे होते। लेकिन जब प्रमोद ने अपनी घड़ी में समय देखा तो उसके होश उड़ गए। वह खेत में जाने के लिए शाम के 7:15 बजे निकले थे और घड़ी में रात के 12 बजे थे। प्रमोद को यकीन नहीं हुआ कि वह पिछले 5 घंटे से लगातार चल रहा है। आमतौर पर खेत में जाने के लिए आधा घंटा लगता था, लेकिन यहाँ पर तो 5 घंटों के ऊपर हो गया था और वह बस चलते ही जा रहे थे। प्रमोद चलते हुए अपने पैरों को देखने लगा तो उसके पसीने छूट गए। उसके पैर उल्टी दिशा में चल रहे थे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वह आगे जा रहा है और वह बार बार घूमकर एक ही जगह पर आ रहा था। प्रमोद ने सभी दोस्तों को रोका और कहने लगा, भाई हम बार बार घूमकर इसे एक ही जगह पर आ रहे हैं या कुछ तो गड़बड़ है। प्रमोद के सभी दोस्त हैरान हो गए। उन सभी को पछतावा होने लगा कि उन्हें बुजुर्ग की बात माननी चाहिए थी। अब सवाल यह था कि आखिर इस भूल भुलैया से बाहर कैसे निकला जाए। प्रमोद के दोस्त संदीप को समझ में आ गया था कि एक चकवा है और इसमें फंसने के बाद कोई भी इंसान बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन प्रमोद को हनुमान जी पर विश्वास था। उसने कहा, हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे, इस चक्रव्यूह से हमें हनुमान जी बाहर निकालेंगे। उसने बिना देरी किए हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दोस्तों को उसका हाथ पकड़कर चलने को कहा। प्रमोद हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए अपनी आंखें बंद करके बस चलने लगा और कुछ ही दूरी तक चलने के बाद वह उस चक्र से बाहर आ गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर धुंध छाई हुई थी और कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था और फिर वह बस आगे चलते गए और खेत में पहुंच गए। प्रमोद का एहसास काफी डरावना था। उसने और उसके दोस्तों ने फिर कभी उस रास्ते से जाने की कोशिश नहीं की। तो दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हनुमान जी के भक्त कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें या दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।